फ्रेंड्स, हिंदुआ रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए आलू से एक नया तरीके की टेस्टी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो व्रत में बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 3 आलू, 3 हरी मिर्च ले लिए हमने यहाँ पे, आप चटपटी तेज भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ हरा धनिया ले लिया। तो यहाँ पे हम हरा धनिया पहले इनको हाथ से एक प्लेट में फोड़ लेंगे, इन आलुओं को हाथ से ही। तो यहाँ पे हम इनको इस तरह से करके फोड़ लेंगे। हमने यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं, 5 से 6 सीटी में हमने इनको अच्छे से उबाल लिया है। और इनको हम यहाँ इस तरह से करके हाथ से ही फोड़ लेंगे। तो लीजिए, मैं सभी आलू को इस तरह से फोड़ लूँगी। तो लीजिए, मैंने सभी इस तरह से आलू को एक एक करके फोड़ लिया है। तो चलिए, अब हम हरा धनिया काटते हैं, हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिया, और हरी मिर्च और धनिया को हम यहाँ पे काट लेंगे बारीक बारीक। तो यहाँ पर मैंने आलू को और धनिया को, हरी मिर्च को काट लिया है। जो आज मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ, ये आप नवरात्रि व्रत में और जो व्रत आते हैं उनमें भी आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये नवरात्रि के व्रत के लिए रेसिपी लाई हूँ। तो इनको हमने छील लिया है। अब हम इनको, तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी ग्राइंडर जार ले लिया, और हमने हरी मिर्च और धनिया जो काटा है उनको हम इसमें डालकर चटनी बना लेंगे इनकी। तो यहाँ पर मैंने इनको सभी को डाल लिया है, हरी मिर्च और धनिया को। अब यहाँ पे हम इनको 1 मिनट के लिए मिक्सी ग्राइंडर जाल में चला लेंगे, इनकी इसकी चटनी पीस लेंगे हम यहाँ पे मिक्सी में। तो चलिए, हम इसके यहाँ पे चटनी पीस लेते हैं। ये फ्रेंड्स, मैंने चटनी को इस तरह से दरा दरा सा पीस लिया है, और अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसको यहाँ पे हरे धनिया को पीस चटनी मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है, कटोरी में। अब चलिए बनाने की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अपना गैस ऑन कर लिया है, और यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली, इसको हम यहाँ पे गर्म हो चुकी है। और इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच करीब रिफाइंड, आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं 2 चम्मच व्रत में। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड डाला है, रिफाइंड भी खाते हैं कुछ लोग व्रत में। और यहाँ पे इसको हम गर्म होने देंगे। और यहाँ पे हमारा रिफाइंड गर्म हो चुका है, मैंने ले लिया आधी चम्मच जीरा, और इनको इसमें डाल देंगे ब्राउन, हल्के से ब्राउन कलर तक। इसको यहाँ पे हम धीमी आँच पे भून लेंगे, और इसमें डाल देंगे आलू। और यहाँ पर हमारा जीरा अच्छे से भुन चुका है, हम डाल देंगे आलू इसमें, और इनको चला लेंगे यहाँ पे लगातार। लो, इनको पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पे इस तरह से, और लो फ्लेम पे हम इनको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इस तरह से चलाते चलाते भून लेंगे। इनको भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक, यानी कि इनको गला लेंगे। इनको इस तरह से चलाते हमें 2 से 3 मिनट हो चुका है, उनको लालमी आ चुकी है। तो इनको अब हम इसमें एक अच्छी सी लालामी आ जानी है, और एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाना चाहिए। 2 से 3 मिनट तक हमारे अच्छे से लालामी आ चुकी है, और टेक्सचर भी आ चुका है इसमें। तो अब हम यहाँ पे गैस की आँच धीमी करके, और यहाँ पे डाल देंगे हरा धनिया जो हमने फिर चटनी बनाई है, और धीमी आँच पे 2 से 3 मिनट तक इसको इस तरह से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी आलुओं में हम यहाँ पर। और अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे सेंधा नमक व्रत वाला, आधी चम्मच करीब लिया था हमने ये। और इसको यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से धीमी आँच पर इसको मिक्स करते हुए चला लेंगे, आलू को उबाल गला लेंगे अच्छे से। इसका जो एक अच्छा हरे धनिया आलू का टेक्सचर आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे इस तरह से चलाते हुए इसको अच्छे से भून लेंगे। तो लीजिए, हमारे 2 से 3 मिनट तक हमने धीमी आँच पर आलू को अच्छे से गला लिया है। और जो हमने चटनी डाली थी हरे धनिया की पिसी हुई, गीला हो गया था ना आलू, वो अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो चुका है। और लीजिए, हमारे यहाँ पर आलू धनिया बनकर तैयार है। आप इसे दही और या खीरे के रायते के साथ भी सर्व कर खा सकते हैं। ये व्रत में बहुत ही अच्छा टेस्टी है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली पर शेयर करें, और मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए, अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं, और यहाँ पर गैस को बंद कर देते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पहले से पता हो तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली पर शेयर कर दीजिए। तो चलिए, इसको हम एक ट्रे में कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारे यहाँ पे गर्मा गर्म आलू धनिया बन कर तैयार है। फ्रेंड्स, आपको कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताइए कि हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आए, एक बार ट्राई जरूर करना व्रत में। तो चलिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स। माई हिंदुआ रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ